बर्नौलीज थ्योरम या बर्नौलीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली, बर्नौलीज एक साइंटिस्ट था जिसने चीज बताई, इट स्टेट्स दैट टोटल एनर्जी, अब टोटल एनर्जी में लिक्विड जब मूव करता है तो उसके पास कुल मिला के तीन एनर्जीज होती हैं, पहली प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, कि तीन किस्म की जो एनर्जीज हैं ऑफ़न इनकम्प्रेसिबल, ये लिखना जरूरी है स्टेटमेंट में, ऐसा ना हो कि आप लिक्विड में एक ऐसा आप पाइप में एक ऐसा लिक्विड भेजें जिसमें लिक्विड क्या हो जाए, कंप्रेस हो जाए, कंप्रेसिबिलिटी होगी तो एक कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा बल्क मॉडुलस, हम यहां पर बल्क के चक्कर में पड़ने वाले नहीं है, तो इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है, नॉन विस्कस लिक्विड, शहद मत डाल देना, आप कहोगे या ऑयल मत डालना कि अब करके दिखाओ इसमें बर्नौलीज थ्योरम, नहीं लगेगी, नॉन विस्कस लिक्विड जो कि बहुत स्मूथली फ्लो करता है, तो ऐसे केस में लिक्विड वाटर एक नॉन विस्कस लिक्विड है, इन अ स्टेडी फ्लो, टर्बुलेंट मत ले लेना, घूम घूम के जिगजैग पाथ में पानी जा रहा है नहीं लगेगी, टर्बुलेंट नहीं लेना, स्ट्रीम लाइन या स्टेडी फ्लो लेना है, लिक्विड बहुत ही प्यार से मूव कर रहा है और स्टेडी फ्लो में, थ्रू अ पाइप रिमेन्स कॉन्स्टेंट। बर्नौलीज थ्योरम का दूसरा नाम पता है क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन यही बोलती है कि सम ऑफ प्रेशर पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी का सम किसी भी पॉइंट पर लिक्विड के फ्लो में क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट, और ये भी तो ये बोल रही है, तो इसका दूसरा नाम एनर्जी कंजर्वेशन ही है, लेकिन साथ में एक और कंडीशन है, कंडीशन क्या है, आप टोटल एनर्जी कॉन्स्टेंट करें इन कंडीशन के साथ, लेकिन ये भी याद रहे रास्ते में प्रोवाइडेड देयर इज नो सोर्स और सिंक ऑफ अ फ्लूइड अलोंग द लेंथ ऑफ द पाइप, पता लगे पानी मूव कर रहा था रास्ते में, आपने सोर्स लगा दिया, एक और पाइप लगा दी, यहां से 2 लीटर पानी, यहां से 3 लीटर पानी निकल रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है, गया तो पीछे 2 लीटर बाहर 3 लीटर आ गया, यानी कि आप बीच में सप्लाई कर रहे हो, नहीं करना, सिंक नहीं होना चाहिए, होल नहीं होना चाहिए, गया था 2 लीटर आ रहा है 0.5 लीटर, पानी कहां गया, पता लगे लीक, एक ऐसी पाइप में बर्नौलीज थ्योरम लगा रहे हो जो लीक हो रही है, नहीं चाहिए, ना सोर्स चाहिए ना सिंक चाहिए, तो एनर्जी कंजर्वेशन एप्लीकेबल है, ये बर्नौलीज थ्योरम की स्टेटमेंट है, आपने एग्जैक्टली ऐसी ही लिखनी है जब पेपर में आएगी, अपने वर्ड में मत लिखना, ऐसी लिखना, और साथ में लिखना सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास का सम इज ऑलवेज अ कॉन्स्टेंट, तो एक ही बात है, प्रेशर एनर्जी काइनेटिक एंड पोटेंशियल का सम कॉन्स्टेंट, या काइनेटिक पर यूनिट मास, पोटेंशियल पर यूनिट मास एंड प्रेशर पर यूनिट मास की वैल्यू क्या है इसमें, कॉन्स्टेंट। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, स्टेटमेंट और फॉर्मूला क्लियर है इसका, अब हम करेंगे इसका प्रूफ, जब इसका प्रूफ आएगा ना, तो आप कई लोग ना क्या करते हैं, 2 लाइन लेके प्रूफ हो गया जी, ऐसे मत करें, पेपर में प्रॉपर लिखें, क्या कि इमेजिन इन, ये लिखें इनकम्प्रेसिबल लिक्विड किया, नॉन विस्कस लिक्विड किया, वेयरिंग क्रॉस सेक्शन लिया, वेयरिंग क्रॉस सेक्शन में पानी को एंटर करवा रहे हैं, लिक्विड को एंटर करवा रहे हैं, लिक्विड एंटर करता है एट पॉइंट ए और वेलोसिटी किस वेलोसिटी के साथ, v1 के साथ, और लिक्विड बाहर निकलता है एट पॉइंट बी किस वेलोसिटी के साथ, v2 वेलोसिटी के साथ, तो जब हम थ्योरी के पेपर करते हैं ना स्कूल में, तो ये चीजें लिखनी जरूरी है कि कंसिडर अ नॉन विस्कस लिक्विड हैविंग अ वेलोसिटी ऑफ v1 एंड v2 a1 a2 क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ऑफ अ पाइप, उसके बाद लिखो h1 डिस्टेंस है पाइप का फ्रॉम द ग्राउंड ए पॉइंट का, और h2 हाइट है फ्रॉम ग्राउंड से बी पॉइंट की, रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बॉक्स में डालें, m इज द मास फ्लोइंग पर सेकेंड ऑफ द लिक्विड, m का मतलब यहां पर मास नहीं है, m का मतलब यहां पर मास फ्लोइंग पर सेकेंड है, तो m का मतलब मास फ्लोइंग पर सेकेंड है, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, तो इस पूरे एक्सप्रेशन में m kg में नहीं होगा, kg पर सेकेंड में होगा, ठीक ठीक है, तो m इज द मास ऑफ द लिक्विड पर सेकेंड, क्या स्टेप क्लियर है यहां तक, अब अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इसमें एप्लीकेबल है, कैसे a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, कितना वॉल्यूम एंटर कर रहा है 1 सेकेंड में, उतना ही वॉल्यूम बाहर निकलेगा 1 सेकेंड में, तो a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, तो a1 v1 a2 v2, या ऐसा भी लिख सकते हैं डेंसिटी से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वॉल्यूम एंटरिंग पर सेकेंड एंड वॉल्यूम कमिंग आउट पर सेकेंड की वैल्यू एग्जैक्टली सेम है, और इस केस में वॉल्यूम मास फ्लोइंग पर सेकेंड और मास फ्लोइंग पर सेकेंड सेम है, इस केस में m का मतलब मैंने क्या एज्यूम करवाया था, मास नहीं है, m का मतलब मास फ्लोइंग पर सेकेंड है, तो मास फ्लोइंग पर सेकेंड की वैल्यू यहां पर m है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट m है, तो a1 v1 इक्वल टू a2 v2 की वैल्यू क्या आएगी, m अपॉन रो, इस इक्वेशन को संभाल के रखते हैं, ठीक है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी अप्लाई कर दी,
अब अप्लाई करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर पोटेंशियल एंड काइनेटिक। देखो पानी कभी भी पाइप में ऊपर हाइट अपने आप कभी अटेन नहीं करता। पानी क्यों हाइट अटेन करेगा पाइप में? पानी तब हाइट अटेन करेगा और अपने आप भागता भी नहीं है। ये तो है नहीं कि अपने भागना शुरू कर दिया पानी ने और हाइट अटेन कर ली, नहीं होता। पानी कब अटेन करेगा हाइट, ऊपर कब चढ़ेगा या पाइप में कब मूव करेगा? जब पीछे से प्रेशर ज्यादा होगा। पी वन पीछे से ज्यादा होगा, पी टू कम होगा, तो देयर इज सम प्रेशर का डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस से पानी ऊपर चढ़ता है। हमारे घरों में पानी आता है तो पाइप पीछे ट्यूबवेल से ओपन करते हैं, मोटर लगी होती है वहां पर, बहुत जबरदस्त मोटर है, तो क्या करती है मोटर ऑन करते हैं, पाइप बहुत तेजी से मूव करता है। हमारे जो जो आपका सिस्टम है, जो यहाँ पे जो हम सेक्टर्स में रह रहे हैं, तो अंडरग्राउंड पाइप्स चली हुई हैं पानी की, बहुत ही तेजी से पानी मूव करता है। इतना तेज मूव करता है, इतना तेज मूव करता है पानी कि ये घर है, घरों की पाइप से तीन तीन मंजिली मकान है। इतना मूव करता है कि इन पाइप्स के अंदर भी पानी चढ़ना शुरू हो जाता है, इतना प्रेशर डिफरेंस मेंटेन होता है। ठीक, तो टॉप फ्लोर में पानी तीन तीन मंजिल तक चढ़ जाता है, टैंक्स में भी फिल करते हैं, वो ऐसा कैसे है? नीचे मोटर तो लगी नहीं हुई, मोटर ट्यूबवेल में लगी हुई है, तो वो एकदम पानी बहुत तेज फेंकती है, पानी ऊपर चढ़ता है, तो कई बार प्रेशर नहीं आता। हम कहते हैं पीछे से प्रेशर कम है, यानी कि यहाँ पे फ्लो का प्रेशर कम है, या काफी लोगों के टैंक इकट्ठे भर रहे हैं तभी प्रेशर डिफरेंस हो गया। तो जब प्रेशर डिफरेंस कम है पीछे से, तो लेवल यहीं तक रहता है पानी का, फिर टॉप फ्लोर तक चढ़ नहीं पाता। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि वाटर का प्रेशर डिफरेंस का कॉन्सेप्ट है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि लिक्विड ऊपर जाए तो P1 बड़ा होना चाहिए, P2 छोटा। नॉर्मली लोग ऐसे बोल देते हैं फाइनल प्रेशर बढ़ा है और इनिशियल प्रेशर छोटा है, गलत है। पानी को ऊपर चढ़ाना है, इस केस में P1 बड़ा है और P2 छोटा है। मैंने एक स्टूडेंट से पूछा कि P1 की वैल्यू क्या है, वो कहता जी HROG आपने कराई थी। भाई इसमें HROG नहीं लगेगा, HROG तब लगता है जब लिक्विड का कॉलम नीचे H हाइट तक है और वो नीचे जमीन पे प्रेशर लगाता है HROG। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है पानी, तो यहाँ पर ये मोटर का प्रेशर है। मान लो मैंने एक्सटर्नल प्रेशर मेंटेन किया P1, जिससे कि लिक्विड जो है वो आगे मूव कर रहा है, और लिक्विड का यहाँ पर प्रेशर कितना हो जाता है P2 हो जाता है, और P2 लेस देन P1 है। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? अब इस केस में सारी गेम एनर्जी की है। पानी को लिक्विड को ऊपर चढ़ाने के लिए किसी ने तो वर्क डन किया, लिक्विड को पाइप में ऊपर भेजने के लिए। जब लिक्विड ऊपर जा रहा है तो देयर इज इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, देयर इज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वेलोसिटी भी बढ़ रही है पानी की ऊपर प्रेशर की वजह से और पोटेंशियल भी बढ़ रही है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, नेट वर्क डन, यहां पे करेक्शन करो, बाय प्रेशर या प्रेशर एनर्जी, तो नेट वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी पर सेकेंड इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड पर सेकेंड प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द लिक्विड पर सेकेंड। तो याद रखना, प्रेशर डिफरेंस की वजह से ही पानी ऊपर जा रहा है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से ही पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज हो रहा है और काइनेटिक एनर्जी में भी इंक्रीज हो रहा है। अगर प्रेशर डिफरेंस ना होता तो फिर वर्कडन कौन करता? वर्कडन करने के लिए प्रेशर एनर्जी तो चाहिए चाहिए। ठीक है यहां तक? अब इस केस में क्या करेंगे, इस केस में प्रेशर एनर्जी ने कितना वर्क डन किया, प्रेशर एनर्जी ने कितना वर्क डन किया, ठीक है? तो प्रेशर एनर्जी ने इतना वर्क डन किया। अगर हम वर्क पर एनर्जी में वापस जाएं तो मैंने आपको ना एक कॉन्सेप्ट कराया था पावर का, याद है, फोर्स इनटू वेलोसिटी, फोर्स इनटू वेलोसिटी पावर होती थी। ये कैसे आता था, जो पावर होती थी उसको हम करते थे वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। वर्क डन की वैल्यू क्या है, एफ इंटू एक्स डिवाइडेड बाय टाइम, एक्स बाय टी क्या है, वेलोसिटी। तो क्या आ गई, फोर्स इंटू वेलोसिटी। ठीक है, ये पावर की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जो पावर होती है वो पता है क्या होता है, वर्क डन पर सेकेंड इज फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो याद रखना, एक सेकेंड में कितना वर्क डन किया उसका फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो एक सेकेंड में कितना वर्क डन किया, फोर्स इंटू वेलोसिटी। प्रेशर की फॉर्म में फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। तो प्रेशर इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या देगा आपको, वर्क डन पर सेकेंड। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? अब ये बताओ कि लिक्विड ने जब ऊपर चढ़ना स्टार्ट किया तो नीचे वाले हिस्से पे प्रेशर क्या था, पी वन था। पी वन इंटू एरिया क्या बन गया, नीचे की फोर्स हो गई।
फोर्स को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, वर्क डन पर सेकेंड आ गया। तो नीचे वर्क डन पर सेकेंड किस चीज का आया, एंटर करने का, लिक्विड को एंटर करने का वर्क डन है, और लिक्विड को बाहर निकालने का वर्क डन कितना आया, पी टू इंटू ए टू इंटू वी टू। तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन लिक्विड को ए से बी तक लेके जाने का क्या आया, दोनों को हमने क्या कर लिया, माइनस। क्लियर है? तो ये वर्क डन की वैल्यू आई, दिस इज द वर्क डन बाय प्रेशर पर सेकेंड लिक्विड को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके जाने के लिए। कोई डाउट इसमें? पॉइंट क्लियर है? तो लिक्विड को ए पॉइंट से बी पॉइंट पे लेके जाने के लिए वर्क डन पर सेकेंड का फॉर्मूला क्या लगाया, पी वन ए वन वी वन माइनस पी टू ए टू वी टू। ठीक है यहां तक? कई लोग ये गलती करते हैं, वो टू वाली टर्म पहले लिखते हैं और वन वाली बाद में रखते हैं। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहां पर वन का प्रेशर बढ़ा है और टू का प्रेशर कम है। तो वन का बढ़ा है, टू का कम है, तो बड़ा प्रेशर, बड़ा वर्क डन में से छोटे वर्क डन को माइनस करना है। लेकिन इस वर्क डन ने क्या किया, लिक्विड को ऊपर चढ़ा दिया, तो देयर इज इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। आप चेक कर सकते हैं, हाइट बढ़ गई वाटर की, तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी में क्या हुआ, MgH2 माइनस MgH1। तो बेसिकली ये क्या चीज है, दिस इज इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी पर सेकेंड, क्योंकि यहां पर m का मतलब मास नहीं है, m का मतलब मास पर सेकेंड है। तो ये क्या आ गई, दिस इज इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी पर सेकेंड, एंड दिस इज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड, क्योंकि ऊपर स्पीड बढ़ गई लिक्विड की, तो वी टू बड़ा होगा, वी वन छोटा होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। जब हम इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी करते हैं तो फाइनल बड़ी है, इनिशियल छोटी है। इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी करते हैं तो फाइनल बड़ी है, इनिशियल छोटी है। लेकिन जब प्रेशर का वर्क डन कैलकुलेट करते हैं तो इनिशियल बड़ा है और फाइनल छोटा है। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये वन टू टू वन टू वन, क्योंकि यहां पर मास का मतलब मास पर सेकेंड है। तो दिस इज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड, दिस इज इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी पर सेकेंड, दिस इज वर्क डन पर सेकेंड बाय प्रेशर एनर्जी। ये स्टेप क्लियर है? बस हो गया आंसर। ए वन वी वन को हमने ऊपर क्या लिखा था, एम बाय रो, तो ए वन वी वन की जगह एम बाय रो, ए टू वी टू की जगह एम बाय रो। एम 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 और एम क्या हो गया, कैंसल, तो आपके पास ये टर्म आ गई। वही काम करना है, वन वाली टर्म को लेफ्ट पे लेके आओ, पी वन बाय रो वी वन स्क्वायर बाय टू जी एच वन, और राइट साइड पे पी टू बाय रो वी टू स्क्वायर बाय टू और जी एच टू। तो ये वन और टू पॉइंट पर चेक करो, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, वन पे और टू पे एग्जैक्टली सेम है। तो इससे ये लिख सकते हो, दिस इज बर्नौलीज थ्योरम। तो किसी भी पॉइंट पर, जरूरी नहीं कि वन एंड टू पॉइंट है, वन टू थ्री फोर, लिक्विड के पाइप में जहां मर्जी पॉइंट ले लो, इन एनर्जीज का सम हमेशा क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट। यहां तक आपने बर्नौलीज थ्योरम का प्रूफ लिखना है। इसके बाद हल्की सी मॉडिफिकेशन है। मॉडिफिकेशन में ये गिवन है कि अगर आप इसको रो से, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो ये पी बन गया, ये हाफ वी स्क्वायर बाय रो बन गया, और ये जी एच बाय रो बन गया। तो ये टर्म आ गई। तो कई बुक्स ऐसे यूज करती हैं बर्नौलीज थ्योरम, कई बुक्स ऐसे करती हैं, मैं ऐसे ही करता हूँ। तो मैं किसी भी न्यूमेरिकल को ऐसे ही करूँगा, और काफ़ी बुक्स ये भी लगा देती हैं, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? ठीक है यहाँ तक? तो ऐसा भी कर लेती हैं, इस इक्वेशन को स्मॉल जी से डिवाइड कर लें। अगर इस इक्वेशन को दोनों तरफ से स्मॉल जी से डिवाइड करें तो ये क्या बन जाएगा, पी बाय रो जी, ये क्या बनेगा, वी स्क्वायर बाय टू जी, और ये क्या बनेगा, एच इज अ कॉन्स्टेंट। इसके अंदर जो पहली टर्म है इसको बोलते हैं प्रेशर हेड, इसका नाम है प्रेशर हेड। सेकेंड टर्म को बोलते हैं वेलोसिटी हेड, और थर्ड टर्म को बोलते हैं एलिवेशन हेड। तो ये तीन किस्म के हेड्स हैं जो आपको याद होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में ये काम आ जाते हैं। क्योंकि कभी कभी बोल देता है कि वेलोसिटी हेड आपको गिवन है, तो वेलोसिटी हेड की वैल्यू समथिंग कुछ गिवन होगी, तो वहां से आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, वहां से आपको वी की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। क्लियर है यहां तक? तो लिमिटेशंस, पूरी बर्नौलीज थ्योरम में इससे पहले आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आए, तो बर्नौलीज थ्योरम की लिमिटेशन लिखनी नहीं होती पेपर में, बस आपको वैसे सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ये एज्यूम करती है कि बर्नौलीज इक्वेशन आइडली अप्लाइज टू फ्लूइड विद जीरो विस्कोसिटी या नॉन विस्कस लिक्विड। हम बर्नौलीज थ्योरम में लिक्विड की विस्कोसिटी को कंसिडर नहीं करते।
दूसरा पॉइंट है, बर्नौलीज इक्वेशन हैज बीन डराइव्ड ऑन द अजम्पशंस दैट देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन. हालांकि फ्रिक्शंस होती हैं पर हम उन लॉसेस को कंसिडर नहीं करते. तीसरा, बर्नौलीज इक्वेशन इज एप्लीकेबल ओनली टू इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स, क्योंकि अगर कंप्रेसिबिलिटी ले ली तो बल्क मॉडुलस भी लेना पड़ेगा और हमने नहीं लिया तो ये इनकम्प्रेसिबल लिक्विड के लिए वैलिड है. बर्नौलीज इक्वेशन एप्लीकेबल ओनली टू स्ट्रीमलाइन या स्टेडी फ्लो, टर्बुलेंट के लिए ये वैलिड नहीं है. और बर्नौलीज इक्वेशन डज नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द फ्लूइड. फ्लूइड के पार्टिकल गोल गोल घूम घूम के भी जाते हैं, हमने नहीं लिया, हमने स्ट्रेट लीनियर मोशन ही ली है, हमने कोई घूमने वाला कोई मोशन इसमें लिया ही नहीं. तो घूमने का मोशन का मतलब है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को लेना, हमने नहीं कंसिडर किया, हमने वी से सॉल्व किया. ठीक, ये इसकी अजम्पशंस हैं.